गाजियाबाद में जब मां ने मोबाइल में गेम खेलने से बच्चे को मना किया तो एक 8वीं क्लास के छात्र ने खुदकुशी कर ली। मृतक छात्र अपने माता पिता के इकलौती संतान था। यह पूरा मामला गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र का है। केदार घाटी में भारी बारिश के बाद से कई मार्ग आवाजाही के लिए बंद हो गए थे, जिन्हें खोले जाने के लिए कई रेस्क्यू टीमें लगातार अभियान चलाए हुए हैं। आज जिला प्रशासन को बड़ी कामयाबी तब मिली जब एसडीआरएफ की टीम ने लैंडस्लाइड के चलते बंद पड़े चीरबासा हेलीपैड को दुरुस्त किया। ये हेलीपैड दुरुस्त होने से रेस्क्यू अभियान में बड़ी मदद मिली है। बरसात के बाद दूसरे चरण के शुरू होने जा रही चार धाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने ऋषिकेश में बैठक की, जिसमें चार धाम यात्रा से जुड़े तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने को लेकर चर्चा हुई है। पीलीभीत में बीते कई माह से लगातार की जा रही बिजली की कटौती के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष समेत समस्त कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। कहा कि बिजली कटौती से आम जनमानस, किसान, कामगार, विद्यार्थी सब परेशान हैं। इससे उद्योग धंधों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने सरकार से इस गंभीर समस्या के समाधान की मांग की है। पीलीभीत में एक महिला ने SHO ब्रजवीर सिंह पर 30,000 की रिश्वत लेने और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। महिला ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। बता दें पीलीभीत जनपद के अमरिया थाने में SHO ब्रजबीर सिंह और आरोपी सिपाही तैनात है। सीतापुर में ग्राहक ने कम गैस देने का विरोध किया तो दुकानदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राहक को पीट डाला। युवक को जाति सूचक गालियां दी। पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने दुकानदार पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित युवक ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। फतेहपुर में 10 लाख हस्ताक्षर जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण पाबंदी के समर्थन में आज जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अल्पसंख्यक मछुआरा OBC प्रकोष्ठ कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। आजमगढ़ शहर में प्रेमी के साथ किराए पर कमरा लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा के परिजनों ने प्रेमी पर गला दबाकर मारने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने मोबाइल टावरों के उपकरण चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय चोरों को पकड़ा है। इसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 3 मैन आरोपी हैं, जिनके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ, जिसकी टोटल कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान चोरों ने बताया कि ये दिल्ली NCR, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र के गैंग में काम करते थे। ये 14 टीम के सदस्य थे, जिसमें 7 अभी वांछित हैं। लखीमपुर खीरी में भीरा थाना क्षेत्र के गांव रड़ा देवरिया में हुए दोहरे हत्याकांड में IG रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार मौके पर पहुंचे और 26 लोगों पर 10 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गांव में 2 कंपनी PSE करीब 6 थानों की पुलिस फोर्स लगाई गई है। झांसी के सराफा बाजार में चर्चित ज्वेलर्स पर GST लखनऊ और झांसी की छापेमारी हुई। टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। टीम ने दुकानदार का शटर बंद कर दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान सराफा बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने बताया कि लखनऊ और झांसी दोनों GST की 15 सदस्यीय टीम आई है, जो शिकायतों को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। पीलीभीत में श्रावण मास के 3रे सोमवार को लेकर कछला घाट पर जल भरने के लिए कावड़ यात्रा रवाना हो गई है। यह गांव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इस गांव में एक साथ हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग सभी त्योहार सौहार्दपूर्ण मनाते हैं। जालौन में यमुना नदी में नहाते वक्त अचानक पानी का तेज बहाव आने से एक युवक डूब गया। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। डूबे युवक की पहचान दशरथ पुत्र राम विलास निवासी मोहल्ला महमूदपुरा कालपी बताया जा रहा है।